धर्मशाला के नगर निगम चुनावों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी में योजना के तहत विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए जरूरी है कि नगर निगम साथ दे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता अगर भाजपा की नगर निगम बनाती है तो धर्मशाला की हर समस्या को दूर किया जाएगा। इसके लिए साथ चलने वाली नगर निगम बेहद जरूरी है। पार्टी से नाराज निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे प्रत्याशियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकट तो एक ही कार्यकर्ता को मिलना होता है, ऐसे में दर्जनों में केवल एक का चयन होता है, जिससे अन्य की नाराजगी होती है, लेकिन काफी लोगों ने नामांकन वापस लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यहां प्रचार हेतु आए हैं और यहां पार्टी की स्थिति अच्छी है। विपक्ष के मित्रों को चुनौती पर पार्टी सिंबल में इस बार चुनाव करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान के जहां मैं जा रहा हूं, सीएम भी मेरे पीछे पीछे पहुंच रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के आदेश पर नगर निगम चुनाव में प्रचार हेतु जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वे कहां जाएं और कहां ना जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला नगर निगम में नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस रही है। नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी जाँच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा तो यही कहना है कि सुधारेंगे, नहीं सुधरेंगे तो कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस की नगर निगम ने सरकार का सहयोग नहीं किया, हमने कई बार सहयोग का आग्रह किया, जिसकी वजह से धर्मशाला में विकास थमा हुआ है। हिमाचल में शिमला के बाद धर्मशाला का अपना एक बहुत बड़ा एक सम्मानजनक स्थान है, पहचान है, वो इस दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, और उसके साथ साथ में यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितनी इम्पोर्टेंट शिमला है उससे कम धर्मशाला भी नहीं है। उस तरह से एक अलग पहचान है। दलाई लामा जी का यहाँ रहना होता है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप में एक अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ऐसे में धर्मशाला का व्यवस्थित ढंग से प्लान वे में जो स्मार्ट सिटी का काम तेज़ी से पूर्ण हो आगे बढ़ करके, ये हम सब लोगों की इच्छा है। इसलिए हमने अब के इस कॉरपोरेशन के चुनाव में लोगों से सहयोग मांगा है। सहयोग दें, मदद करें, कॉरपोरेशन साथ चलने वाली होगी तो कामकाज करने में हमको सुविधा होगी। देखिए, जहाँ तक पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात है, आज तो हम जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके संबंध में बात करने के लिए, उनको सहयोग मांगने के लिए आए। कुछ जगह पार्टी के तो उस तरह से हमारा प्रयत्न रहता है कि जब एक आदमी का चयन करना होता है 20 लोगों में से, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत नाराजगी, थोड़ी बहुत निराशा ऐसी होती है। और ऐसे में काफ़ी लोग जो टिकट की चाह में थे, टिकट जिन्होंने मांगा था, टिकट नहीं मिला, उनमें से बहुत सारे लोगों ने वापस भी लिया है, लेकिन कुछ लोग रह गए हैं फिर भी, उसके बावजूद भी, और उनकी वो पार्टी के हिसाब से उसमें निर्णय हमने अपना संदेश उनमें दे दिया है। उनको पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से उनकी सस्पेंशन जो है वो की है। देखिए, स्वाभाविक रूप से मेरी पार्टी जो मुझे आदेश करेगी, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी की जीत दिलाने के लिए मुझे जहाँ भी जाना होगा जाऊँगा। इसके लिए मुझे किसी के उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के सिंबल पर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के लिए सहयोग करना, हम भी यहाँ पर जहाँ हैं पार्टी की वजह से, इसलिए पार्टी के काम के लिए आए हैं। दूसरे, उसके बाद यहाँ नॉन परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर धर्मशाला के इस चुनाव में नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस की जो यह नगर निगम यहाँ 5 साल रही, और उसके बाद करप्शन के इश्यूज़ बहुत सीरियस नेचर के हैं, जो सही मायने में जांच के दायरे में अगर उनको लाया जाएगा तो बहुत बड़े प्रश्न खड़े उसमें से निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड जो हमारी डस्टबिन हाँ, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़े प्रश्न है। वो उसमें हम ही नहीं कह रहे हैं, हर आदमी कह रहा है यहाँ पर।